नमस्कार साथियों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए साथियों, आप हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि जो लोग जेसीबी का बिजनेस करना चाहते हैं और उनके पास पैसे का अभाव है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको ऐसी टिप्स बताएंगे कि जो लोग पैसे की कमी होने के बाद भी अपने जेसीबी के बिजनेस को किस प्रकार सुचारू रूप से चला सकते हैं और इस जेसीबी के बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर आप जेसीबी कंपनी में जाके जेसीबी के बिल के बारे में पता करते हो तो नए मॉडल की जेसीबी आपको 26 लाख रुपए इसका बिल प्राइस होता है और उसके बाद इसके डॉक्यूमेंट बनाने में भी पैसे खर्च होते हैं। जैसे कि आजकल जो हरियाणा सरकार है या फिर ये जो जेसीबी एजेंसी वाले हैं, 15 साल का आपको वन टाइम के लिए डॉक्यूमेंट बना के देते हैं और ये डॉक्यूमेंट आपको 15 साल के लिए वन टाइम डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपये तो वन टाइम टैक्स हो जाता है और 17,000 रुपये TCS के भी अलग से ले लिए जाते हैं कंपनी द्वारा, क्योंकि ये उनका अपना एक चार्ज लेने का एक अपना तरीका है। तो उसका इंश्योरेंस भी करवाना होता है जो लगभग 40-45 हज़ार रुपये का होता है। तो कुल मिला के आपको लगभग 2 लाख रुपये डॉक्यूमेंट के लिए अलग से चाहिए और 26 लाख रुपये की लगभग आपकी नई जेसीबी जो एक्स्ट्रा पावर है वो आपको मार्केट में मिलेगी। तो इस प्रकार 26 लाख प्लस में 2 लाख डॉक्यूमेंट के तो 28 लाख रुपये आपके पास कैश होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पास 28 लाख रुपये नहीं है तो आपका जेसीबी खरीदने का और जेसीबी का बिजनेस करने का जो सपना है वो आपका टूट जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर फाइनेंस करवा लो। तो दोस्तों, यदि आप फाइनेंस भी करवाते हो तो आपको 5 साल से ज़्यादा समय के लिए कोई भी बैंक आपका फाइनेंस भी नहीं करता और इस प्रकार उस पर जो बैंक है वो फाइनेंस के रूप में अगर उसको फाइनेंस कर भी देता है आपकी जेसीबी को, तो आप ये मानो कम से कम आपको 7 लाख रुपये उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि मंथली EMI में आप उसको पैसे रिटर्न करते हो। तो इस प्रकार 7 लाख रुपये आपको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा और 25 लाख रुपये की आप जेसीबी खरीदते हो, 2 लाख रुपये डॉक्यूमेंट के लगाते हो तो 27 लाख प्लस में 7 लाख ब्याज, यानी आपको 34 लाख रुपये बैंक को देने होते हैं। अब 34 लाख रुपये आप 60 महीने की किस्तों में देते हो तो वहाँ पे आपको लगभग 50,000 से प्लस रुपए की आपको मंथली EMI देनी होती है और फिर 50,000 रुपये तो आपका हर मंथ कमा के यहाँ पे आपको बैंक को ही देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है और उसके अलावा ऑपरेटर का खर्च है और भी जेसीबी मेंटेनेंस है, स्पेयर पार्ट है, जेसीबी सर्विस है, ये पैसे भी आपको अलग से कमाने होंगे। तो दोस्तों, इतना काम आजकल है नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आप एक नई जेसीबी खरीदने की बजाय आप पुराने मॉडल की जेसीबी को खरीद दो। तो 2018 मॉडल यदि आप मार्केट से जेसीबी खरीदोगे तो आपको लगभग वो 18 लाख रुपए की मिल जाएगी और जो 2018 मॉडल आप खरीद रहे हो उस 18 लाख की जेसीबी का अगर आप इंश्योरेंस देखोगे तो लगभग उसके ऊपर जो उसकी जेसीबी की कीमत है मॉडल के अनुसार 17 लाख रुपये उस पर जेसीबी की कीमत लिखी हुई मिलेगी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। अब 17 लाख रुपये आपका जो इंश्योरेंस का जो प्राइस है उसके ऊपर 17 लाख का लगभग 90-95% आपका इंश्योरेंस हो जाता है बैंक से। तो लगभग आपका 16 लाख रुपये आपको बैंक से लोन के रूप में फाइनेंस के रूप में फाइनेंसर आपको दे देते हैं। तो वहाँ से आपको 16 लाख रुपये आप फाइनेंस के रूप में ले लो और आपने खरीदी जेसीबी 2018 मॉडल 18 लाख रुपये की, तो यहाँ से आपको लगभग 2 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी तो आपने वो जो जेसीबी खरीदी थी वो पैसे आपने फाइनेंस करवा के वहाँ से उसको डायरेक्ट 16 लाख रुपए दे दिए, तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 लाख रुपए की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है और आपको जेसीबी के डॉक्यूमेंट भी नहीं बनवाने पड़ते, क्योंकि जिस पार्टी से आप जेसीबी खरीद रहे हो उसने ऑलरेडी उनको डॉक्यूमेंट को बनवा लिया है, क्योंकि जो टैक्स है वो तो वन टाइम ही भरा गया है, तो वो तो ऑलरेडी पहले से ही भरा गया है। RC है वो वन टाइम बनती है, तो वो उसने पहले ऑलरेडी बनवा ली, तो आपने पुरानी जेसीबी अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई है। तो यहाँ से आपको एक 2018 मॉडल जेसीबी खरीदने के लिए मात्र आपको 2 लाख रुपए की ही जरूरत पड़ती है, तो आप 2 लाख रुपए से ही अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो। अब बात रहती है दोस्तों, आपने जो 16 लाख रुपए का फाइनेंस करवाया है उसकी आपको बैंक को किस्तों के रूप में पैसे देने होते हैं, तो यहाँ से आपको जो बैंक आपका फाइनेंस करता है तो उस पर 16 लाख रुपये आपको लेने के बाद वहाँ से आपको लगभग
4 से 5 लाख रुपए ही ब्याज बनता है, क्योंकि 16 लाख रुपए भी आप जब फाइनेंस करवाते हो ना तो 5 लाख रुपए ज़्यादा मैक्सिमम ब्याज नहीं बनेगा, अदरवाइज 4.5 लाख 4.5 लाख रुपए यही बनता है। आप चाहे बैंक से कॉन्टैक्ट करके भी देख लेना कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वहाँ से अगर 5 लाख रुपये भी बैंक वाला ब्याज लगा देता है तो 16 लाख प्लस में 5 लाख इंटरेस्ट, तो आपको लगभग 21 लाख रुपये पे करने पड़ते हैं। और 21 लाख रुपये जब आप 5 साल में पे करते हो, 60 महीने की आप ये मंथली EMI बनवाते हो, तो आपको लगभग यहाँ से 35 से 38 हज़ार रुपये के बीच में आपकी EMI मंथली बन जाती है। तो दोस्तों आप डिफरेंस देखो, एक आप नई JCB खरीद रहे हो तो वहाँ पे आपको लगभग 50 से 55 हज़ार रुपये की किस्त पे करनी पड़ रही है, और यदि आप 2018 मॉडल JCB खरीद रहे हो तो वहाँ पे आपको 35 से 38 हज़ार रुपये की मंथली जो EMI है वो लगभग आपको पे करनी पड़ रही है। तो कहाँ तो आपको 50 हज़ार प्लस की किस्त आप पे करनी कितना मुश्किल है, और यहाँ पे आपको मात्र 35 हज़ार रुपये की या 36 हज़ार रुपये की किस्त पे करना जो आपके लिए बड़ी आसान है, क्योंकि आपको 50 की बजाय 35 हज़ार की किस्त के रूप में देने पड़ रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ी सुविधा होती है। और दूसरी बात दोस्तों, जो 2018 मॉडल जो JCB है वो लगभग 2021 मॉडल JCB के बराबर ही काम करती है, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है कि 2021 मॉडल जो अभी आप करंट में खरीदेंगे, एक नया मॉडल लेंगे, वो जितना काम करेगी उतना 2018 मॉडल नहीं करेगी। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि 2018 मॉडल की जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी लगभग 2021 मॉडल अभी जो आप नया खरीद रहे हो उसके बराबर की होती है। हाँ, लेकिन जो थोड़े बहुत जो स्पेयर पार्ट है वो तो देखो थोड़े बहुत किस ही जाते हैं, तो कुछ मेंटेनेंस तो यहाँ से आपको हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा मेंटेनेंस आपको उसको देनी पड़ी स्पेयर पार्ट के रूप में, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोस्तों। 2021 मॉडल और 2018 मॉडल दोनों का अगर आप कंपैरिजन में काम करवा के देखते हो तो लगभग सेम ही वो काम करती है, उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और दोस्तों उसका जो काम के प्रति घंटे के हिसाब से जो पैसे मिलते हैं वो 18 मॉडल और 21 मॉडल को भी सेम ही मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो बिज़नेस है वो 2 लाख रुपये में शुरू हो रहा है और आपको किस्त है वो 35 हज़ार रुपये की मंथली पे करनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों यदि आप नई JCB लेते हो तो आपको लगभग 5 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे आपको 50 हज़ार रुपये की मंथली EMI देनी पड़ती है। तो इसीलिए मेरा मानना तो दोस्तों यही है कि आप एक नई JCB ना खरीद के, नया मॉडल ना लेके आप 2018 मॉडल या फिर 2017 मॉडल ही आप खरीदिएगा, जो आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो JCB का काम बिजनेस करने के पर्पज़ से खरीदते हैं, लेकिन काम अच्छे तरीके से न चलने से या फिर उनके कोई सामाजिक परेशानी आने की वजह से वो काम को बीच में छोड़ देते हैं और JCB को सेल कर देते हैं, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और यदि आपको वहाँ से नहीं मिलती तो आप पुरानी एजेंसी से भी खरीद सकते हैं या फिर सीज किया हुआ JCB आपको मिल जाएगा, जो बैंक वाले जो फाइनेंसर है वो जिसको JCB को उठा लेते हैं जो लोग टाइम पर किस्तें नहीं भरते, तो आपको सीज किया हुआ JCB मिल जाएगा, वो भी आपको अच्छे रेट में एक नॉर्मल रेट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से इस प्रकार अपना JCB का बिजनेस सुचारू रूप से कर सकते हो। और बात रही दोस्तों कि आपको वो JCB चलानी कहाँ पे है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे सड़कें बनती है, और बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, या कुछ ऐसे जो ठेकेदार हैं जिनके पास JCB नहीं है तो वो रेंट पे JCB लेते हैं, तो आप उसके साथ डील कर सकते हो। वहाँ से आपको 6 महीने या 1 साल के लिए परमानेंट आपकी वहाँ से डील हो जाएगी और आपकी JCB वहाँ पे 1 साल के लिए फिक्स लग जाएगी, तो वहाँ से आपको लगभग 90 हज़ार रुपये मंथली आपको वहाँ से एक JCB का चार्जिंग मिल जाता है अपने JCB रेंट पे देने का। तो इस प्रकार 90 हज़ार रुपये में आप 35 हज़ार रुपये किस्त बड़ी आसानी से भर सकते हो। 15 हज़ार रुपये आपको ऑपरेटर को देने होते हैं, 35 + 15 50 हज़ार, 10 हज़ार अगर आपका JCB मेंटेनेंस का खर्चा भी आ जाए तो भी आपका लगभग 60 हज़ार रुपये यहाँ से आपका खर्च बनता है और आपकी 90 हज़ार रुपये मंथली आपकी JCB वहाँ पे काम पे लग जाती है। तो इस प्रकार आपको 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ की सेविंग भी हो जाती है और आपकी JCB भी धीरे धीरे आने वाले 5 सालों में आपका लोन भी क्लियर हो जाता है। और इस प्रकार आप उस JCB को बाद में अगर देखते हो 5 साल के बाद में 2018 मॉडल, लगभग आपकी 12 से 13 लाख रुपए की JCB भी आपकी सेव बच जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप JCB का बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।